गाइस मैं एडसेरा की जो अर्निंग है 3 दिन की 5 दिन की सारी अर्निंग दिखाता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब की अर्निंग मुझे कितनी आ रही है। सब लोग ये कहते थे कि आप एडसेरा की अर्निंग जो है वो फेक बताते हो, तो इसलिए मैंने आज क्या किया है कि यूट्यूब की अर्निंग बताऊंगा, इस पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके आंसर भी मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मेरा एक ब्लॉगिंग का चैनल है, तो यहाँ पे देखेंगे व्यूज वगैरह कितने आ रहे हैं। अगर ये वाली ट्रिक जानना चाहते हैं तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो क्वेश्चन आने वाला है इस वीडियो पे वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सेटिंग में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे आपको लोग दिखाते हैं जेएमडी में, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ यूएसडी में, ठीक है। तो यहाँ पे एक दफा ध्यान से देख लें, ये यूएसडी में अभी आपके सामने भी सिलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया है और यहाँ पे सेव तो पहले ही था क्योंकि ये पहले ही यूएसडी में है, तो क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि मेरे फिर भी डॉलर उतने ही है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाता हूँ, तो यहाँ पे डैशबोर्ड में भी आप देख सकते हैं कि मेरे ये 41 के व्यूज है और यहाँ पे वोइटम मेरा इतना है और यहाँ पे $110 है, ठीक है। ये अभी 28 दिन की मैं आपको अर्निंग दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं अभी कंटेंट में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि अभी मेरे कहाँ कहाँ से ये आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे देखें कि मुझे सच से आ रहे हैं, चैनल पे से, मतलब के सारे जो यूट्यूब जो चाहता है वो वहाँ से ही मुझे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सजेस्ट भी मुझे सब कुछ मतलब के YouTube के पॉलिसी के हिसाब से है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे एक और चीज दिखा देता हूँ ग्राफ में, ठीक है। ग्राफ में जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे पाकिस्तान इंडिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंट्री वगैरह अगर यहाँ पे, तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, दोबारा आपको खोल के दिखा देता हूँ क्योंकि ये कोई और पेज खुल गया था। तो यहाँ पे देखेंगे ग्राफ में जाता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेपाल, ये सारे यूनाइटेड स्टेट, मतलब के सारे व्यूज आते थे। ये अभी 28 दिन की मैं अर्निंग आ रहा हूँ। अगर आप पिछले मंथ की मेरी अर्निंग देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियोस जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पे अभी काम कम कर दिया था। इस पे काम जो मैंने कम इसलिए किया था क्योंकि मैं एडस्टेरा पे ज्यादा अर्निंग करना चाहता था, और मैं जो अभी आपको दिखाने वाला हूँ उससे आपके होश उठ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखें कि मेरा सीपीएम और आरपीएम और यहाँ पे एस्टिमेट मेरी कितने मतलब के आ रहे हैं, ठीक है। 110 यहाँ पे है और 350 मेरा आरपीएम है, और यहाँ पे देखेंगे 966 जो है मेरे अभी यहाँ पे सीपीएम जा रहा है। तो अगर आप इतनी अर्निंग करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे वीडियो भी अपलोड की है, यहाँ पे पार्ट 4 में मैंने 2 वेबसाइट आपको बताई थी, वहाँ से मैंने व्यूज लिए हैं। लेकिन उस वेबसाइट पे व्यूज तो लेने हैं, लेकिन एक तरीके के साथ लेने हैं, जिस तरह के मैंने पहले भी काफी देर पहले एक मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो मैं अभी ब्लॉगर पर जाके दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ, आप इसको यहाँ पे भी खोल सकते हैं, यहाँ पे मैं अभी क्लिक कर देता हूँ, चलो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगर आपके सामने एड शो हो तो आपने क्लोज कर देना है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अगर एड शो हो तो आपने क्लोज कर देना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने आके लिखना है गूगल ट्रैफिक, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपके सामने एक पोस्ट आएगी, तो अभी आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि गूगल ट्रैफिक ऑल कंट्रीज, ठीक है, ये आपने इसमें जाना है, ठीक है। ये अभी एड आ चुका है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे एड को आपने क्लोज कर देना है, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद यहाँ पे जो मैंने जितनी भी चीजें बताई है ना, आपने लॉग इन किस तरह करना है, रजिस्टर किस तरह करना है, आपने कंट्री किस तरह टारगेट करनी है, ये सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में मतलब कि इस पोस्ट में मैंने बताया हुआ है। अगर आप देखेंगे ना एक एक स्टेप, तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो मैंने भी इतनी अर्निंग इसी तरीके से की है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था, तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे इसने बताया है कि यहाँ पे आप जो अर्निंग है ना एडसेरा की आप फेक बताते हो, इसलिए मैंने यूट्यूब पे अर्निंग बताई है। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या इसको जवाब दिया, मैंने कहा है कि मैंने अगर ट्रेंडिंग पे काम करना है ना, तो मैं टाइटल वगैरह सब कुछ जो है अभी रियल नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अर्निंग करनी है, मैंने ट्रेंडिंग टॉपिक पर काम करके तो मैंने अच्छी खासी अर्निंग करनी है, व्यूज वगैरह लेने हैं। व्यूज वगैरह लेने के बाद मैंने फिर जितने भी मेरे व्यूज आएंगे वो एड पे क्लिक करेंगे, एड पे क्लिक करने के बाद जो मेरी अर्निंग एडस्टेरा में आएगी ना, 2 या 3 दिन बाद अगर मेरे एडस्टेरा में अर्निंग आ गई, तो उसके बाद मैंने क्या करना है कि उस पोस्ट को डिलीट करके तो दोबारा रियल कॉन्टेंट वहाँ पे डालना है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर रियल कॉन्टेंट आप अपलोड करोगे तो आपको कम व्यूज आएंगे, ठीक है, क्योंकि पहले तो आपने उस पोस्ट से आपने काफी सारी अर्निंग कर ली है, लेकिन अभी रियल कंटेंट आपने अपलोड किया है तो इससे आपके एड जो है रियल आएंगे, ठीक है। तो मैं इसी तरह ही काम करता हूँ, तो मैं एक पोस्ट करता हूँ और ट्रेंडिंग काम करता हूँ, ठीक है। और आगे एक और ट्रेंड आने वाला है, उस पर भी मैंने वीडियो बनानी है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।